50x43 feet 7 inch के एक वेस्ट फेसिंग प्लॉट पर ये एक उत्तरमुखी घर का नक्शा। ये प्लॉट का डायमेंशन है 50x43 feet 7 inch और ये एक वेस्ट फेसिंग प्लॉट और ये पश्चिमुखी प्लॉट पर एक उत्तरमुखी घर का नक्शा। प्लॉट का डायमेंशन है 50x43 feet 7 inch और ये नक्शा का डायमेंशन है 36 feet 2 inch x 38 feet 5 inch। ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन और ये है ईस्ट डायरेक्शन और ये ऊपर साउथ डायरेक्शन और ये नीचे नॉर्थ डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में रोड है और ये घर का फेस उत्तर की ओर है। ये है बाउंड्री वॉल, ये देखिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल और ये बिल्डिंग के बीच साउथ डायरेक्शन में 1 feet 8 inch का गैप, ईस्ट डायरेक्शन में 2 feet 4 inch का गैप और ये नॉर्थ डायरेक्शन में 2 feet का गैप है। वेस्ट डायरेक्शन में फ्रंट में 10 feet का गैप। ये है एंट्री गेट, ये है मेन गेट और ये है एंट्री, बिल्डिंग का एंट्री और यहाँ पर एक ग्रिल गेट है और ये घर का एंट्री डोर। ये है एंट्रेंस और ये है स्टेयरकेस, 7 feet वाइड का स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए। और ये है लिविंग हॉल 17 feet 2 inch x 10 feet का, 17 feet 2 inch यानी ये हॉरिजेंटली, ये आर्च जो यहाँ पर आर्च है, आर्च से लेके ये जो वॉल ये हॉरिजेंटल है 17 feet 2 inch और ये वर्टिकली है 10 feet। सामने एक खिड़की है वेंटिलेशन के लिए और ये बाएं तरफ है डाइनिंग स्पेस, ये है डाइनिंग 8 feet x 10 feet का। और बाएं तरफ एक खिड़की है वेंटिलेशन के लिए। ये डाइनिंग के पीछे यहाँ पर है किचन, वास्तु के हिसाब से ये बनाया गया है। देखिए ये है साउथ डायरेक्शन ऊपर और ये बाएं तरफ है ईस्ट डायरेक्शन, यानी ये जो कॉर्नर है ये साउथ ईस्ट का है। साउथ ईस्ट में किचन है 8 feet x 11 feet। ये है मास्टर बेडरूम, बेडरूम नंबर 1 साउथ और ये राइट साइड है वेस्ट, ये साउथ वेस्ट के कॉर्नर पर मास्टर बेडरूम 13 feet 2 inch x 11 feet 4 inch, 13 feet 2 inch हॉरिजेंटली है और 11 feet 2 4 inch ये है वर्टिकली। वेंटिलेशन के लिए इसमें 2 खिड़कियां हैं, राइट साइड में 1 खिड़की और पीछे तरफ 1 खिड़की साउथ डायरेक्शन में। ये है अटैच टॉयलेट मास्टर बेडरूम का 8 feet x 4 feet 6 inch का, 8 feet ये लंबाई है और ये वर्टिकली ये है 4 feet 6 inch। इसके पास है कॉमन टॉयलेट 8 feet x 5 feet 1 inch, हॉरिजेंटली है 8 feet और ये वर्टिकली है 5 feet 1 inch। यहाँ पर है बेडरूम नंबर 2 और ये बेडरूम नंबर 2 का डायमेंशन है 12 feet x 11 feet 4 inch, 12 feet हॉरिजेंटली है, 11 feet 4 inch ये वर्टिकली है। वेंटिलेशन के लिए पीछे 1 खिड़की है, किचन का वेंटिलेशन के लिए बाएं तरफ 1 खिड़की। और यहाँ पर है बेडरूम नंबर 3 13 feet 6 inch x 10 feet का, 13 feet 6 inch हॉरिजेंटली है और ये 10 feet है वर्टिकली। इसमें 2 खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर 1 खिड़की और यहाँ पर 1 खिड़की है। ये कॉर्नर है नॉर्थ और ईस्ट का, यानी ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये बाएं तरफ है ईस्ट डायरेक्शन। ये पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट का और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर है पूजा घर 8 feet x 4 feet का, 8 feet हॉरिजेंटली और ये 4 feet वर्टिकली। दोस्तों ये एक 3 BHK हाउस प्लान, 3 BHK नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान इन वेस्ट फेसिंग प्लॉट। ये प्लॉट का डायमेंशन है 50x43 feet 7 inch और ये प्लॉट एक दक्षिणमुखी प्लॉट है और ये नक्शा एक उत्तरमुखी नक्शा है। ये वॉल का थिकनेस, ये नक्शा का जो वॉल है ये मेन वॉल यानी ये जो मोटा वाला वॉल, ये वॉल का थिकनेस 10 इंच का है
और ये पार्टीशन वाल जितना पतला वाला वाल है ये 5 इंच का है, ये 5 इंच का, ये वॉल 5 इंच का, ये वॉल 5 इंच, और यहाँ पर एक वॉल है बेडरूम 2 का, ये 5 इंच का है। इसमें 3 बेडरूम, एक लिविंग हॉल, एक डाइनिंग हॉल, एक किचन, और इसमें 2 टॉयलेट है, एक अटैच टॉयलेट, एक कॉमन टॉयलेट, एक 7 फीट वाइड का एक आउटर स्टेयरकेस, और एक पूजा घर भी है। तो चलिए देखते हैं इसका प्लिंथ एरिया कितना है। ये नक्शा का प्लिंथ एरिया कितना है, ये नक्शा का प्लिंथ एरिया है 1232.00 स्क्वायर फीट, यानी 1232 स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग पोर्टिको, ये पोर्टी सॉरी एक्सक्लूडिंग पोर्टिको, ये पोर्टिको का प्लिंथ एरिया छोड़ के ये पोर्टिको का प्लिंथ एरिया इसमें मिलाया गया नहीं है। और ये है सेफ्टी टैंकी का जगह, और यहाँ पर सेफ्टी टैंकी आप बना सकते हैं। दोस्तों ये नक्शा आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।